छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा 37वें अखिल भारतीय डाक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। ये प्रतियोगिता आई स्पोर्ट बैडमिंटन अरेना मोवा में 5 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित की गई है। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, जिसके तहत देश के 21 डाक परिमंडलों से 104 पुरुष, 52 महिला एवं 15 वेटरन खिलाड़ी शामिल होंगे। तो आइए जानते हैं इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी गई। जैसा कि आप लोगों के पास सब कुछ सामने रखा हुआ है कि 5 तारीख से 9 तारीख तक छत्तीसगढ़ परिमंडल 37वें ऑल इंडिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन कर रहे हैं और ये काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर इस परिमंडल में इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। यहाँ पर 21 स्टेट से प्रतियोगी भाग लेने के लिए अपना नाम दे चुके हैं। 200 से ऊपर खिलाड़ी आएंगे और जैसे कि हम सब जानते हैं कि केवल कार्य से सब कुछ नहीं होता, जस्ट ऑफिस वर्क इज़ नॉट इनफ, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है लेकिन ये कहावत हिंदी में भी है। तो उसी तरह फिट इंडिया के तहत ये आयोजन हो रहा है और ये 5 तारीख को इसका कार्यक्रम का की शुरुआत होगी, इसका ओपनिंग समारंभ होगा और 9 तारीख को प्रतियोगिता का समापन होगा। इसमें फिलैटली के संदर्भ में भी कुछ निकाले जाएंगे, कुछ ऐसे न्यूनतम तरीके से एक पीछे पोस्ट कार्ड स्पेशल कवर की भी रिलीज़ हो जाएगी जो कि डाक विभाग की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, लेकिन इससे कुछ एक तरह से उत्साह, एक तरह से एक जिज्ञासा जागरूक करने के तौर से इसे हम ये इस तरह कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रतियोगिता को कई लोगों ने अपनी सराहना दी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जैसे कि अश्विनी नाचप्पा, इन लोगों ने सबने अपनी अपनी कुछ शब्द कहे हैं जो कि सोशल मीडिया में ऑलरेडी पोस्टेड है। शायद आप में से किसी कुछ लोगों ने उसे देखा भी होगा, अगर देखा नहीं होगा तो अब भी आप देख सकते हैं, अवेलेबल है यूट्यूब सोशल मीडिया में, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। लाइव स्ट्रीमिंग होगी इस प्रतियोगिता की, यूट्यूब चैनल पर सब लोग लाइव इसको देख भी सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी का सहयोग लेते हुए इसकी भी हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि अभी मेरे साथ मेरे निदेशक नहीं है, वो इस प्रतियोगिता में स्वयं भाग लेने वाले हैं। हमारे वेटरन्स भी, जैसे कि 40 साल के ऊपर के उम्र वाले लोग भी इसमें भाग लेने वाले हैं, तो उम्र की कोई लिहाज नहीं है, खेल कभी भी कर सकते हैं, वर्क इज़ ऑल्सो पॉसिबल, सो वर्क विथ प्ले यही है मोटो है। धन्यवाद। अभी आप जो प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। टीम्स की बात नहीं है इसमें, जैसे मैंने कहा कि 104 पुरुष भाग ले रहे हैं, 52 महिला और 15 वेटरन, तो ये प्रतियोगिता 8 वर्गों में विभाजित है। सिंगल्स होगा, डबल्स होगा, मिक्स डबल्स होगा। नो, ये आपके नोट्स में आए हुए फोल्डर में है, मैं उसी से पढ़ रही थी। छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ी? 12 खिलाड़ी नहीं, इम्पोर्टेंट जैसे इट विल बी ओनली फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स की तरफ से ही ये है, इट इज़ नॉट फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। वो उसका नाम क्या, वो दुर्ग में है ना, वो जूही देवांगन, शी इज़ एन इंटरनेशनल प्लेयर, दुर्ग संभाग में वो पोस्टल असिस्टेंट करके कार्यरत है, वो भी भाग ले रही हैं। लेकिन यहाँ इस परिमंडल से उसे पूरी छूट दी है, शी पार्टिसिपेट्स इन ऑल टूर्नामेंट्स। और इस परिमंडल का ये भी रहा है कि मेनी प्लेयर्स हैव गॉन टू प्ले इन अदर प्रतियोगिताओं में भी, नॉट ओनली इन बैडमिंटन, जबकि विभाग के फंड्स भी नहीं आए थे, ये लोग स्वयं अपने खर्चे पे गए हैं एंड जैसे ही फंड आया उनकी वो, सो दिस वाज वन ऑफ द सर्कल्स विच परमिटेड द प्लेयर्स टू गो, क्योंकि वो स्वयं के खर्चे भी गए थे, क्योंकि वी कैन नॉट गिव देम एनी काइंड ऑफ एडवांसेस के बावजूद भी
वो लोग गए, तो दिस इज द जोश विथ विट द पीपल एंड द स्टाफ ऑफ द सर्कल आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स एंड वर्क एज वेल. शायद आप में से कुछ लोगों को मैंने 9 अक्टूबर को देखा था पिछले साल ड्यूरिंग द डाक सप्ताह पोस्टल वीक, और उस दौरान भी मैंने कहा था कि कुछ ट्राई टू स्पीक अबाउट द डिपार्टमेंट इन ए सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, लेकिन काफ़ी लोगों ने गैग पॉलिसीज ये सर्विस भी काफ़ी लोगों ने ली, इसका मुझे फीडबैक भी आया था. सब कुछ होगा बिकॉज नहीं लिस्टिंग इसमें नहीं होगा बिकॉज इट इज़ लाइक इन ऑल काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स इट विल बी देयर, इट विल बी सर्टिफिकेट विल बी देयर, ग्रुप फोटो विल बी देयर, मेडल्स विल बी देयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब कुछ है इसमें, गोल्ड सिल्वर लाइक इन एनी काइंड ऑफ टूर्नामेंट वैसा ही है, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस एज सच. एक वेन्यू हमने हायर पे लिया है, वहाँ पर अलग अलग कोर्ट्स में वो होगा, क्योंकि 4 दिन में इतने सारे प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ, बिकॉज सिंगल्स विल बी आल्सो बी देयर, डबल्स विल आल्सो बी देयर, सो वो वेन्यू भी इस पे लिखा हुआ है शायद. हाँ इट हैज़ बीन हायर्ड, लगा हुआ है वहीं पर, DPS अभी प्रैक्टिस पे गए हुए हैं, DPS निदेशक दिनेश मिस्त्री, he himself is a player. So it is all the states except for Karnataka and UP, all other states are participating. Karnataka mein shayad unki kuch ek do players ki kuch problem thi, to is wajah se the circle took a decision ki kisi ko bhejna nahi. UP kya karan hai humne nahi pucha, but except these two states baki ke sare. For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.